जय हिंद विद्यार्थियों। जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षाओं में चर्चा किए थे सिंथेसिस के पार्टिसिपल के बारे में, तो हम दोबारा आपको पार्टिसिपल के बारे में समझाते हैं। हमने डिफरेंस बताया था, आज हम बताएंगे कि पार्टिसिपल को बनाते कैसे हैं। इसके विषय में हम देखेंगे तीनों के तीनों पार्टिसिपल को। जैसा कि हमने बताया था दोस्तों, पहले नंबर पर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले नंबर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम क्या होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना देना, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य होता है। तो हम आपको सीधा सीधा एग्जांपल पर ले चलते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं पिछली जानकारी के लिए। जैसे हमने लिखा ही वॉज ए टीचर, ही वॉज ए टीचर, ही टीचे गुड, वह एक टीचर है और वह अच्छा पढ़ाता है। दो सेंटेंस है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर। नंबर एक पर ही वॉज ए टीचर, नंबर दो पर है ही टीच गुड। तो ये आप देखिए, यहाँ पे भी ही कॉमन है, यहाँ पे भी ही कॉमन है, तो एक ही को उड़ा देंगे। इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है। जब मेन वर्ब ना हो तो इज एम आर वाज वेयर को हम किस में बदल देते हैं, बीइंग में, और यहां लिखेंगे बीइंग ए टीचर। ठीक, बीइंग ए टीचर, ही टीच गुड। इस तरह से हमको एक सेंटेंस प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हुआ दोस्तों सेम सब्जेक्ट का। अगर सब्जेक्ट डिफरेंस आ जाए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिखा राम इज ए बॉय, फिर हमने लिखा सीता इज ए गर्ल, तो दो सेंटेंस है हमारे पास। नंबर एक है राम इज ए बॉय और नंबर दो है सीता इज ए गर्ल। तो आप देखिए यहां पर राम अलग है और वहां पर सीता अलग है। जब सेंटेंस डिफरेंट हो जाए तो दोनों सेंटेंस को हम एक साथ में उतार लेते हैं और लिखेंगे राम, यहां कोई मेन वर्ब नहीं थी, जेमार को हम बदल देते हैं बीइंग में, राम बीइंग ए बॉय, सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल। ये हो गया हमारे पार्टिसिपल का, डिफरेंट सब्जेक्ट का एग्जांपल। अगर आप देखें तो इस तरह से जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब आ जाए, जैसे हमने लिखा यू जंप्ड डेली, यू जंप्ड डेली, ये सेंटेंस हुआ। दूसरा हम लिख दें यू आर ए गुड एथलीट, यू जंप डेली, यू आर ए गुड एथलीट। तो आप देखिए पहले सेंटेंस में एक मेन वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में भी आपको एडजेक्टिव और उसके साथ बाकी चीजें दिखेंगी। तो यहां पर मेन वर्ब को हमने बताया था तो हमको कुछ नहीं करना है। यहां भी यू कॉमन है, यहां भी यू कॉमन है, एक यू को उड़ा देना है, जंप के फर्स्ट फॉर्म में ले जाना है जंप, और इसमें लगा देना आईम आई एन जी, और लिख देना है डेली जंपिंग डेली, यू आर ए गुड एथलीट। दोस्त यहां पर हमको सेंटेंस प्राप्त हो जाएगा, दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस प्राप्त हो जाएगा, और ये हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा टाइप हो। अगर इसमें भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को डिफरेंट कर दिया जाए, जैसे हमने लिखा सी सिंग्स सॉन्ग, वह गाना गाती है, और यू रीड नोबल, और तुम नोबल पढ़ते हो। तो यहां पर देखो, यहां पर बच्चे सी अलग हो गया और यू अलग हो गया, तो हम दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट को सेव रखेंगे। जैसा कि हमने बताया था हमको कुछ नहीं करना है, सी को सी की तरह उतार देंगे और यहां पर सिंग में आई एन जी लगा देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग, सी सिंगिंग सॉन्ग, यू रीड नोबल। तो यहां पर हमको सारे एग्जाम्पल प्राप्त हो जाते हैं पार्टिसिपल के, खासतौर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के। प्रेजेंट पार्टिसिपल के दोस्तों एक कंप्लीट चार टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। कंप्लीट सिलेबस है, आपको कहीं पर कुछ ढूंढना है अगर आप इस टाइप पर देखें। पहला टाइप यह था जिसमें सब्जेक्ट सेम था और पहले सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं थी। दूसरा टाइप यह हुआ
कि जिसमें हमको सब्जेक्ट अलग अलग रखा और पहले सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं थी, सब्जेक्ट अलग अलग करके। तीसरे में हमने देखा कि हमने सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में मेन वर्ब रखा और सब्जेक्ट को सेम सेम रखा, तो हमने मेन वर्ब में आईएनजी लगा के बना लिया। तीसरा हुआ जिसमें हमने सब्जेक्ट को सेम सेम रखा और पहले सेंटेंस में मेन वर्ब रखा, तो हमने दोनों सब्जेक्ट लिख दिए और जो वर्ब है हमारी मेन वर्ब उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए। दोस्तों ये पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे पास्ट पार्टिसिपल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।